क्या अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी भी एक बंधन है? इस पर बात करते हैं, इनसाइट लेते हैं इस पर। देखो, वो हर एक चीज जो आपके अंदर एक कंटिन्यूटी जनरेट कर रही है, आपके अंदर एक शोर मचा रही है, वो बंधन है। वो चीज जिसका नेम है, फॉर्म है, जिसके पीछे आप भाग रहे हो, चेस कर रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी, आप स्पिरिचुअलिटी को चेस कर रहे हो, एनलाइटनमेंट को चेस कर रहे हो, ये बंधन है। स्पिरिचुअलिटी तो डिस्कशन करने का टॉपिक है ही नहीं, डायलॉग्स, बातचीत, नो, ये तो शांति है, ये तो साइलेंस है, ये तो स्पिरिचुअलिटी मतलब कि आप बस चीजों को देख रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और कोई धारणा नहीं बना रहे, कुछ कह नहीं रहे, कुछ कुछ कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस एज इट इज है। हाँ, ऑन द अदर हैंड ये हो सकता है कि आप उसको ऑब्जर्व करते करते फ्री हो जाएं और फ्री होकर आप फिर ये बोलें या जो भी कहें, जैसा कि स्पिरिचुअल सेजेस करते हैं, कई सारे स्पिरिचुअल लोग, कि वो फ्री हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो बातचीत करने लगते हैं, ज्ञान बांटने लगते हैं, बट वो ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, वो बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, वो शांत शांत है, और उस शांत, वो जो शांति है वो उनके अंदर से वाइब्रेट हो रही है, वो उनके अंदर से निकल रही है आउट ऑफ फ्रीडम, क्योंकि व्यक्ति कुछ ना कुछ तो करेगा ही, और जो व्यक्ति वो करेगा फ्रीडम में, वो समाज में कोई बंधन क्रिएट नहीं करेगा, मतलब ना ही वो समाज में कोई इफेक्ट लाएगा, ना ही डिफेक्ट लाएगा, उसका ना होना बराबर है, आप समझ रहे इस चीज को। तो मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन द नेम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि आप स्पिरिचुअलिटी के चक्कर में एक्सपीरियंसेस इकट्ठे कर रहे हो, कि मुझे ये एक्सपीरियंस हो गया है, मैंने देखो सपने में ये चीज देख ली, मैंने देखो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लिया, मतलब भविष्य की जानकारी मैंने जान ली, मैंने देखो अपना ये फायदा निकाल लिया, ये सारी चीजें। कई लोग सिद्धियों के चक्कर में होते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप बंधन ही क्रिएट हो रहा है स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर। अध्यात्म तो शून्य है, अनकहा है, अनजाना है, अननोन है, और यहां पर किसी भी चीज की गुंजाइश नहीं है। अध्यात्म तो एक मुक्ति है, इसी क्षण में, बिल्कुल इसी वक्त में, इसी टाइम बीइंग में, मतलब ये देखना कि शरीर अपना काम कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है, और मेरे अंदर कुछ है जो ठहरा हुआ है, वो अध्यात्म है। लेकिन आप रिलेट करके काम कर रहे हो, मन को अपने आप से रिलेट करके काम कर रहे हो, शरीर को अपने आप को अपने से रिलेट करके काम कर रहे हो, देन इट विल क्रिएट बंधन। और सच बताऊं, स्पिरिचुअलिटी भी तो एक नाम ही है, इससे भी मत बंधो, इससे भी आगे निकल जाओ, इसको भी क्रॉस कर दो। एक ब्रिज चल रहा है, एक ब्रिज पर हो आप, एक पुल पर हो, उस पुल को आपने क्रॉस कर दिया नदी को देखते हुए, ये नहीं कि उस पुल पर तुम नदी को देख रहे हो, तुम्हें नदी का दृश्य अच्छा लग रहा है, तो तुमने उस पुल पर मकान बना लिया, कि मैं उस पुल पर मकान बना लेता हूं और फिर नदियों को देखूंगा। ये तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो दिस विल क्रिएट बॉन्डेज, ये चीज बॉन्डेज क्रिएट करती है। यस, आपका मन शांत हो सकता है,
आप जो हैं वो कुछ टाइम के लिए आपकी सफरिंग कम हो सकती है, बट ये परमानेंट नहीं है, इट्स टेम्परेरी। कि आपने किसी एक चीज पर बस ध्यान लगा लिया कि आप मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, बस उसमें भी आप कुछ कोई एफर्ट पुट कर रहे हो, जनरेटिंग एफर्ट्स। स्पिरिचुअलिटी इज एक विस्तार है जिसमें आपने अपने आप को एक्सपेंड कर दिया अनंत संभावनाओं को लेकर। आप किसी डिजायर से आपको खतरा नहीं है, साधु संतों की तरह कि कोई स्त्री आ गई तो आप इनसिक्योर हो गए। नो, आपके अंदर जो भी इच्छाएं हैं, जो भी चीजें, सबको जी रहे हो आप, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप शांत हो। आप ना सुख से बंध रहे हो ना दुख से बंध रहे हो, यू आर स्टिल कंप्लीटली। दिस इज एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी, नॉट द नेम, थ्योरी, फॉर्म्स, कंसेप्ट, आइडियाज, इमेजेस, डायलॉग्स, डिस्कशंस। नो नो सिद्धि, नो रिचुअल, जस्ट प्योर बींग, रियल, ऑर्गेनिक एंड एब्सोल्यूटली नथिंग। दैट्स द स्पिरिचुअलिटी। और स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए जो मैंने बनाया हुआ है, लगभग 24 वीडियोस हैं इसमें, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आजकल मेरे कमेंट पता नहीं क्यों डिलीट हो जा रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, और आप ऐसे भी जान सकते हैं 9773529489, इससे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। थैंक यू वेरी मच।